अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 हमारा जो है वो चल रहा है और ऑलमोस्ट का लास्ट टॉपिक करीब पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है केमिस्ट्री ऑफ क्लोरीन। और टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन बाय नेल्सन सेल। नेल्सन सेल के जरिए हमने क्लोरीन को तैयार करना है। नेल्सन सेल एक डायफ्राम सेल के, इसको डायफ्राम सेल भी कहते हैं या इसे सिंपल नेल्सन सेल भी कहते हैं। इसमें हमने सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है और सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी है और उसके जरिए हमने क्लोरीन को जो है प्रिपेयर करना है। ठीक है, अच्छा, इस दौरान इस प्रोसेस दौरान हमें हाइड्रोजन गैस मिलती है और कास्टिक सोडा भी मिलता है। तो बाज वक्त एग्जाम में अगर इस तरह पूछ लिया जाए कि भी प्रिपेयर कास्टिक सोडा बाय नेल्सन सेल, तो आप पूरा प्रोसेस यही रखोगे, सिर्फ फोकस आप करोगे कास्टिक सोडा पे। इसी तरह ये भी आ सकता है कि डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय नेल्सन सेल, तो बिल्कुल सेम टॉपिक है, सिर्फ हाइड्रोजन को आपने फोकस करना है, हेडिंग वगैरह जो डालनी है हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर डालनी है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने नेल्सन सेल की डायग्राम बना ली है। नेल्सन सेल सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, नेल्सन सेल को अगर आप देखें तो इसमें सबसे पहली चीज तो आपको नजर आ रही है कि एक आउटर स्टील टैंक होता है, बाहर से स्टील का टैंक है, स्टील टैंक है जो कि कुछ यू शेप का होता है, यू शेप का होता है। और इसमें जो है वो आपने एक परफोरेटेड स्टील कैथोड लगाई, यानी ये जो आपको नजर आ रही है होल होल से बने हुए, ये एक्चुअली परफोरेटेड, परफोरेटेड मतलब इसमें से पार्टिकल्स जो है आस पार हो सकते हैं, परफोरेशन हुई हुई है। ठीक है, परफोरेटेड स्टील प्लेट है जिसको हमने कैथोड के तौर पर सर्व करना है। ठीक है, और बीच में जो है वो हमने जो हमारे पास स्टील टैंक है जो सेंट्रल पार्ट है, इसमें कार्बन ग्रेफाइट के रॉड को हमने हैंग करते हैं जो कि एज ए एनोड एक्ट करेगा। इसको हमने क्या करना है, इसको एनोड बनाना है। ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। ठीक है, ये कैथोड है और वो एनोड। ठीक है, अच्छा, एनोड कैथोड को आपस में मिलने से बचाने के लिए आपने डायफ्राम यूज करते हैं। एक डायफ्राम लेयर होती है जो कि एस्बेस्टॉस की बनी होती है, एस्बेस्टॉस, एस्बेस्टॉस मटेरियल होता है, उसकी बनी होती है। ठीक है, नीचे एक ट्रे रखी हुई है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड आके क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, और ऊपर जो है वो हमने क्या रखना है, एक आउटलेट रखा है जो कि हाइड्रोजन गैस के लिए आउटलेट लगाया गया, एक आउटलेट क्लोरीन गैस के लिए, और एक इनलेट है जिसके जरिए हम ब्राइन सॉल्यूशन को इस कंटेनर के अंदर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक कंसेंट्रेट सॉल्यूशन बनाते हैं जिसको हम ब्राइन कहते हैं। तकरीबन ये 45% मास बाय मास सॉल्यूशन होता है जिसको हम यूज करते हैं। और फिर हमने क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवानी। ठीक है, सोडियम क्लोराइड की अगर बात करें तो सोडियम क्लोराइड जो है वो आयोनाइज होने पर, यानी आयोनाइजेशन की अगर बात करें तो पहले तो सोडियम क्लोराइड की आयोनाइजेशन होगी और आयोनाइज होने पर यह सोडियम आइंस बनाएगा और क्लोराइड आइंस बनाएगा। ये दो आइंस हमें जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, और ये आइंस यहां पर मौजूद होंगे, सोडियम आइंस भी मौजूद होंगे और क्लोराइड आइंस भी मौजूद होंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक साथ एक एक दो आइंस और भी होंगे। ठीक है, याद रखिएगा दो आइंस और भी होंगे क्योंकि वाटर भी आयोनाइज हो रहा है, वाटर भी आयोनाइजेशन कर रहा है, इसमें एच प्लस आइंस प्रोड्यूस होंगे और हाइड्रो ऑक्साइड आइंस प्रोड्यूस होंगे। तो ये दो किस्म, चार किस्म के हमारे हमारे पास मौजूद है आइंस, हाइड्रो आइंस मौजूद है, एन आइन के तौर पर एक्ट कर रहा है, क्लोराइड आयन भी एक एनायन है, हाइड्रोजन आयन एक कैटायन है और सोडियम आयन है वो एक कैटायन। ठीक है, अच्छा, अब देखा गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के मुताबिक हाइड्रोजन आयन्स की जो डिस्चार्जिंग है, यानी जो जो इसको इसका जो डिस्चार्ज होने की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा है। तो होता यह कि जैसे आप प्रोसेस को स्टार्ट लाते हैं तो ये जो हाइड्रोजन आयन्स हैं, ये जो हाइड्रोजन आयन्स हैं आपके पास मौजूद हैं, ये इससे पहले कि सोडियम आइंस कैथोड में पहुंचे, ये वहां पर पहुंचकर वहां पर जो है वो रिडक्शन का प्रोसेस शुरू कर दे, यानी हाइड्रोजन आइंस जो रिलीज होना शुरू कर दे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रिएक्शन, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर प्रोसेस क्या हो रहा है, कैथोड प्रोसेस हो रहा है कि जो हाइड्रोजन आइंस है जो कि उनकी डिस्चार्जिंग एबिलिटी ज्यादा है, तो हाइड्रोजन आइंस जो है वो कैथोड पे पहुंचेंगे और इलेक्ट्रॉन्स गेन करना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस बनाना शुरू करेंगे, और हाइड्रोजन गैस जो है वो यहां आएगी और यहां से ऊपर तक इसकी प्रक्रिया पर कलेक्ट कर ली जाएगी। ठीक है, अच्छा, दूसरे साइड पे क्या हो रहा है, रिएक्शन एट एनोड क्या हो रहा है, रिएक्शन एट एनोड,
अच्छा, अब रिएक्शन एट एनोड क्या हो रहा है, देखिएगा एनोड पे ये प्रोसेस हो रहा है कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें क्लोराइड आयंस की जो डिस्चार्जिंग एबिलिटी है, डिस्चार्ज होने की जो सलाहियत है, वो हाइड्रोक्साइड के मुकाबले में ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन की जो वो है, क्योंकि असल एक चीज ये कि आपने कंसंट्रेशन अगर देखें तो इनकी कम है, क्योंकि आपने सोडियम क्लोराइड ज्यादा लिया है, कंसंट्रेशन सोडियम क्लोराइड की जो है वो ज्यादा है, तो हाइड्रोक्साइड आयन वैसे भी जो है वो कम है और उनकी डिस्चार्जिंग एबिलिटी भी कम है। तो जो क्लोराइड आयन जो कि क्लोराइड में ज्यादा है और उनकी डिस्चार्जिंग एबिलिटी भी ज्यादा है, तो क्लोराइड आयन जो है वो इधर भागेंगे, माइग्रेट करेंगे एनोड पर, और क्लोराइड आयन माइग्रेट करेंगे, दो क्लोराइड आयन माइग्रेट करके जाएंगे एनोड टर्मिनल पर और वहां अपने अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, और दो इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और क्लोरीन गैस बन जाएगी, और वो क्लोरीन गैस जो है वो यहाँ से यूं पास आउट होते हुए इधर से यहाँ पर कलेक्ट कर ली जाएगी। अच्छा, आप जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड्स जो है वो बढ़ रहा है, इनकी तादाद बढ़ रही है, तो यहां पर एक चीज और डिस्कस की जाती है, वो है फॉर्मेशन ऑफ NaOH, फॉर्मेशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा कि जैसे जैसे सोडियम क्लोराइड आयंस और हाइड्रो आयंस जो है वो खत्म होते जाएंगे, सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे और इस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनना शुरू हो जाएगा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यहां आकर इस जगह इस ट्रे के अंदर जमा हो जाएगा, जो कि बाद में सेपरेट कर लिया जाएगा। तो इस तरह आप देखा कि सोडियम क्लोराइड, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें, ओवरऑल प्रोसेस देखें, ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि यहां पर जो है आपके पास सोडियम क्लोराइड प्लस HOH, ठीक है, यहां पर इनका रिएक्शन हुआ है जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, और साथ में जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल रहा है और आपको क्या मिल रहा है, क्लोरीन गैस मिल रही है, ठीक है। ओवरऑल ये आपका जो है वो रिएक्शन जो है वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, टू हाइड्रोजन हो गए, फोर टू टू द फोर और ऑक्सीजन कितने हो गए, तो इस तरह ये रिएक्शन आपका जो है प्रोसेस हो रहा है, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं, और इसके रिजल्ट में हमें तीन चीजें मिल रही हैं, क्लोरीन, कास्टिक सोडा और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था नेल्सन सेल का, जो कि हमने कवर अप कर लिया। थैंक यू वेरी मच। अच्छा स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ऑफ क्लोरीन का आखिरी टॉपिक और चैप्टर का भी आखिरी टॉपिक है, चैप्टर फोर आपका यहाँ पे कंप्लीट है, ठीक है। टॉपिक हमारा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, केमिकल मेन रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन, उसमें हम पहला देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में अगर देखें कि मेटल्स के साथ अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं, जिंक के साथ, जिंक क्लोराइड बन रहा है, जीरो से प्लस टू में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है, तो क्लोरीन ने क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया। इसी तरह क्लोरीन कॉपर से रिएक्ट कर रही है, कॉपर क्लोराइड बन रहा है, फॉस्फोरस से फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बन रहा है, इसी तरह हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। एडिशन रिएक्शन क्लोरीन के एडिशन रिएक्शन के होते हैं, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बनेगा, विस्मिनल डाइक्लोराइड, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक में विस्मिनल डाइक्लोरोईथेन भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बन से रिएक्शन होता है क्लोरीन का, तो बनता है फॉस्जीन गैस, ठीक है, COCl2 फॉस्जीन गैस। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करे तो ये बनता है SO2Cl2, इसे कहते हैं सल्फ्यूराइल क्लोराइड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, एडिशन रिएक्शन के अंदर कई दफा आ चुके हैं, सल्फ्यूराइल क्लोराइड की फॉर्मेशन और फॉस्जीन गैस की फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, सल्फर निकल गया, क्लोरीन इसने रिप्लेसमेंट कर ली, हाइड्रोजन क्लोरीन ने आयोडीन पर रिप्लेस कर दिया, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, आयोडीन बन जाएगा, इसी तरह आयोडीन रिलीज होगा। मीथेन के अंदर सनलाइट से रिएक्शन होता है क्लोरीन के साथ, मोनोक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो बनते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। क्लोरीन को अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है सेल्फ ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो रहा है, क्लोरीन के दो एटम यूज हो रहे हैं, अगर आप देखें एक जो है वो माइनस की फॉर्म में जाएगा और एक प्लस की फॉर्म में जाएगा, ये हाइपोक्लोरस एसिड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एक क्लोरीन का जो एटम है अगर आप बोलते हैं तो और रिड्यूस हो गया, इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो रिडक्शन हो गई इसके अंदर, और एक क्लोरीन के एटम अगर आप देखें तो वो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इस तरह अगर आप बोलते हैं तो क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है वो सेल्फ ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुआ है, इसको कहते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन भी हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही, तो क्लोरीन के अंदर ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो देखी जाती है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 4 का, आई होप के ये क्लियर हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।